देश की राजधानी दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर की सभी बसों में फरवरी अंत तक ई टिकटिंग की व्यवस्था पूरी तरह से लागू होने का दावा किया जा रहा है। दिल्ली वासियों के सफर को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से बिना कंडक्टर के संपर्क में आए पिछले वर्ष अगस्त में चार्टर ऐप की मदद से ई टिकट की शुरुआत हुई थी। सूत्रों की माने तो बुधवार से बसों में ई टिकटिंग की व्यवस्था पूरी तरह से लागू करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे 14 से 15 दिन के अंदर सभी डीटीसी और क्लस्टर की बसों में यात्रियों को ई टिकट से सफर की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। मार्च से सभी बसों में यात्री ई टिकट लेकर भी बस में सफर कर सकेंगे। दिल्ली में क्लस्टर और डीटीसी की लगभग 6,650 बसें, इसमें क्लस्टर बसों की संख्या करीब 2,888 बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो अभी तक करीब 700 बसों में ई टिकट की व्यवस्था को लागू किया जा सका है। बसों का जीपीएस डाटा न मिलने की वजह से सभी बसों में ई टिकटिंग की व्यवस्था लागू नहीं हो सकी थी। उम्मीद है कि अब किसी प्रकार से प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। जब से दिल्ली में ई टिकट की शुरुआत हुई है उसके बाद से लगभग 3 लाख यात्री ई टिकट से बसों में सफर कर चुके हैं, जिसमें 70% संख्या महिला यात्रियों की है। डीटीसी की 128 बसों में ऐप से दैनिक बस पास की सुविधा भी शुरू हो चुकी है, जिसको भी सभी बसों में लागू किया जाना है। ई टिकट से सफर के लिए यात्री के स्मार्ट मोबाइल फोन में चार्टर ऐप होना अनिवार्य है। इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप पर क्लिक करने के बाद टिकट खरीदने का विकल्प आता है। उस पर क्लिक करने के बाद बस में लगे QR कोड को स्कैन किया जाता है। इसके बाद गंतव्य स्थल से जुड़ी जानकारी देनी होती है, फिर भुगतान के बाद टिकट जारी होता है। आपको बता दें कि पिछले साल 14 सितंबर को कोरोना काल में डीटीसी की 29 बसों में ट्रायल शुरू किया गया था। बाद में इसको बढ़ाकर 128 बसों में किया गया और अब ये पूरी दिल्ली में शुरू होने वाली है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कुछ महीने पहले ही कॉन्टेक्टलेस मोबाइल टिकटिंग व्यवस्था शुरू की थी। इस पे एक कमेटी भी बनाई थी। कमेटी की सिफारिशों के बाद अब परिवहन मंत्री ने डीटीसी की सभी बसों में ई टिकटिंग सुविधा लागू करने का फैसला लिया है। अधिकारियों की माने तो सितंबर से शुरू हुए ट्रायल के नतीजे काफी अच्छे हैं, इसीलिए डीटीसी की सभी बसों को अब ट्रायल के दायरे में लाया जाएगा।